हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। देखिए, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है कि हमारी जो अलग अलग शेप्स होती हैं फेस की, तो उस शेप के अकॉर्डिंग हमारे फेस पे कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा। और किसी ने जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ किस तरह की कटिंग, किस तरह का हेयर स्टाइल, किस तरह के बंस, तो वो क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले अब मैं आपको शेप्स दिखाती हूँ। ये मेरे पास 4 शेप्स हैं। ये मेरे पास ओवल शेप, दैट स्क्वायर शेप, देन राउंड शेप और देन हर्ट शेप। ये जो 4 शेप्स हैं ना, ये मोस्ट कॉमन शेप्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी शेप होती हैं, जैसे डायमंड शेप, और बहुत सारी शेप्स होती हैं इसके अलावा भी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन शेप्स हैं ना, वो यही होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राउंड शेप के बारे में, और लास्ट में मैं आपको एक ऐसे टिप्स बताऊंगी इस वीडियो के, यानी इन सब के बारे में डिस्कस करने के बाद, जिससे आपको लगेगा कि हाँ भाई, हम वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम राउंड शेप की बात करते हैं। राउंड शेप मीन्स जिनका जो फेस गोल होता है, तो ये देखिए, ये देखिए, ये है हमारे पास राउंड फेस। राउंड फेस में क्या होता है कि जिन जो थोड़े हेल्दी होते हैं, उनका फेस भी थोड़ा हेल्दी होता है और गोल होता है, और वो थोड़ा राउंड शेप होती है। अब इसमें क्या होता है कि उनकी जो चीक बोन्स होती है ना, वो थोड़ी वाइड होती है, यानी कि चौड़ी होती है। और इसमें इस राउंड शेप वाले जो पर्सन्स होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हेयर स्टाइल से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है राउंड फेस वालों के लिए। जो राउंड फेस वाले होते हैं, उन्हें कॉन्टोर ज़रूर करना चाहिए। कॉन्टोर क्या होता है, आप अपने ये जो ईयर के अप वाला पार्ट, और ये जो आपका ये वाला जो पार्ट होता है, दिस वन, इस पार्ट पे आपको कॉन्टोर ज़रूर करना है। कॉन्टोर करने से क्या होता है ना, कि आपकी ये जो चीज़ है वो अंदर की साइड नज़र आती है, यानी कि इस तरह नज़र आती है। तो कॉन्टोर करने से आपके चीक से थोड़े अंदर नज़र आते हैं, जिससे आपका फेस थोड़ा पतला लगता है। एक चीज़ तो ये, कॉन्टोर ज़रूर करें, क्योंकि कॉन्टोर तो स्क्वायर फेस वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हेयर्स की बात करें, जो राउंड फेस वाले फेसेस होते हैं, उन पे जो शॉर्ट हेयर्स हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। शॉर्ट हेयर्स में बिल्कुल लाइट कर्ल, शॉर्ट हेयर्स यानी कि शॉर्ट हेयर्स मतलब इतने हेयर्स, इतने नॉर्मली, ठीक है, इतने हेयर्स में थोड़ी लाइट सी कर्ल होती है ना, वो बहुत सुंदर लगती है। नेक्स्ट है कि वो स्टेप कटिंग उन पे बहुत जचती है। स्टेप कटिंग, लेज़र कटिंग राउंड फेस वालों पे बहुत जचती है। और लेकिन राउंड फेस वालों को किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, देखिए, राउंड फेस वालों को टाइट कर्ल नहीं करानी चाहिए। एक कर्ल भी कितने तरह के होते हैं, टाइट कर्ल होते हैं, लूज कर्ल होते हैं, वॉल्यूम कर्ल होते हैं, बहुत सारे कर्ल होते हैं, स्प्रिंग कर्ल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्ल होते हैं, लेकिन राउंड फेस वालों को टाइट कर्ल कभी भी कराने नहीं चाहिए, उनके फेस पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है कि जब भी राउंड फेस वाले अपना जो हेयर स्टाइल करें, तो उनको अपने जो हेयर्स हैं, यानी कि उनके हेयर्स जो है ना, थोड़े इस तरह, यानी एक साइड के हेयर वो चाहे बैक कर सकते हैं, एक साइड के हेयर थोड़े इस तरह से रखें, थोड़ा फ्रंट में। इससे क्या होता है, उनका फेस थोड़ा छोटा लगता है। नेक्स्ट, राउंड फेस वालों पे एक मैसी बन बहुत अच्छा लगता है। अगर बन की बात करें कि कौन सा बन बनाए, तो राउंड फेस वालों पे मैसी बन बहुत ज़्यादा जचता है। हाँ, उन पे हाई बन नहीं अच्छा लगता, राउंड फेस पे हाई बन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैसी बन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और लूज कर्ल्स, टाइट कर्ल्स अवॉइड करना चाहिए, लेकिन लूज कर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं राउंड फेस वालों पे। तो ये हो गया हमारा राउंड फेस। आई होप सो कि आपको मेरा ये टॉपिक है वो ठीक लगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वो है हमारे पास स्क्वायर फेस। ये होता है हमारे पास स्क्वायर फेस। देखिए, हमारे पास 4 फेसेस मैंने लिए हुए हैं स्क्वायर फेस। स्क्वायर फेस में क्या होता है ना, कि जो फेस है वो ऊपर से नीचे तक इक्वल होता है, यानी इस शेप में इस तरह से इक्वल होता है। इस जैसे से स्क्वायर शेप बोला जाता है। जो स्क्वायर शेप के पर्सन्स होते हैं, उनके फीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीचर्स के पर्सन्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग फीचर्स मीन्स टू से कि उनकी आइज बहुत दिखाई देती हैं, और उनके लिप्स भी काफ़ी हाईलाइट होते हैं, इनके फीचर्स हाईलाइट होते हैं, हमारे फीचर्स ही होते हैं जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। तो स्क्वायर फेस वालों को भी सबसे पहले राउंड फेस की तरह कॉन्टोर ज़रूर करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि स्क्वायर फेस वालों पे कैसे हेयर्स जचते हैं। स्क्वायर फेस वालों पे पोकर स्ट्रेट हेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं। पोकर स्ट्रेट यानी कि रिबॉन्डिंग और स्मूदिंग वाले हेयर्स बहुत सुंदर लगते हैं स्क्वायर फेस वालों के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं।
नेक्स्ट है कि उनके जो स्क्वायर फेस होता है जिनका, उन पे लॉन्ग से ज्यादा मीडियम हेयर्स अच्छे लगते हैं. मीडियम्स यानी कि ये वाले इतने हेयर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं. नेक्स्ट है कि जो स्क्वायर फेस के पर्सन होते हैं उनपे साइड हेयर स्टाइल्स अच्छे लगते हैं. साइड हेयर स्टाइल्स मैं आपको बताती हूँ किस तरह से. जैसा कि आप देख रहे हैं फिलहाल मेरे हेयर जो है वो ओपन है, तो स्क्वायर फेस वालों को ये जो अपने आपके ये वाले साइड वाले हेयर्स हैं इनको इस तरह से लेके यहाँ पे आप इसको टाई कर सकते हैं और इस तरह ये जो है इस तरह से पूरा अच्छे से इसको टाइट कर लीजिए. ये इस तरह के साइड हेयर स्टाइल्स बहुत जचते हैं. नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हैं, इस तरह से लीजिए एक छोटी सी कर्ल ब्रेड इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं एक ऐसे, और यहाँ पे मैं पिन अप कर देती हूँ और एक और यहाँ पे ले लीजिए इस तरह से ही, और इसको भी मैं टक कर देती हूँ. तो ये देखिए जो हमारे पास ये छोटे छोटे से ब्रेड्स हैं और साइड से एक साइड से इसी तरह से, तो ये जो हेयर स्टाइल हैं साइड फेस वालों पे बहुत, यानी स्क्वायर फेस वालों पे बहुत ज़्यादा जचते हैं और उन पर बहुत अच्छे लगते हैं. स्क्वायर फेस वालों पे टाइट कर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक लगते हैं. उन्हें कंटूर जरूर करना चाहिए और स्क्वायर फेस वालों को साइड कट जरूर लेना चाहिए. उनके फेस पे बहुत ज़्यादा जचती है, जो स्क्वायर फेसेस होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, टाइट कर्ल अच्छी लगती है. और उनके फ्रंट लेज़र वो करवा सकते हैं, फ्रंट लेज़र वो करवा सकते हैं. तो ये हो गया स्क्वायर फेस. नेक्स्ट हम चलते हैं अपने हर्ट फेस की तरफ. लास्ट में जो सबसे अच्छा फेस होता है ना ओवल शेप में, उसकी बारे में हमारा हर्ट फेस, यानी कि ये जो फीचर है यहाँ से इस तरह से, इस तरह से एक हर्ट की शेप होती है, यानी ऊपर से थोड़ा वाइड होता है और नीचे से थोड़ा पतले होते हैं, यानी कि टेपर होती है इस तरह से. तो ये होती है हर्ट शेप. हर्ट शेप वालों के ऊपर क्या सकता है, हर्ट शेप वालों को कंटूर की इतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि उनका ऑलरेडी टेपर होता है नीचे से. उन पे हर्ट शेप पे हाई बन जो कि यहाँ पे किया जाता है, हाई बन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. जो यानी कि जब हम सारे हेयर्स को ऐसे पकड़ के इस तरह से हाई बन बनाते हैं यहाँ पे, तो वो बहुत ज्यादा जचते हैं यहाँ पे बनाते हैं. तो इस तरह से जो भी कोई जो भी हाई बन है, ये नहीं है तो सिंपल हाई बन है, जो भी हम हाई बन बनाते हैं तो जो हर्ट शेप है उन पे हाई बन बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह से वो बना सकते हैं. नेक्स्ट है हर्ट शेप वालों पे मीडियम हेयर्स अच्छे लगते हैं. नेक्स्ट है कि हर्ट शेप वालों पे भी साइड हेयर स्टाइल्स अच्छे लगते हैं. नेक्स्ट है कि जो लाइट मैसी बन, हर्ट शेप वालों पे जो लाइट मैसी बन है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, और जो साइड बन्स होते हैं जो यहाँ पे बनते हैं, यानी कि यहाँ पे बनते हैं जो साइड बन्स, बहुत अच्छे लगते हैं हर्ट शेप वालों पे. नेक्स्ट है कि जो कर्ल्स भी इन पे खैर जचती हैं, कर्ल्स का कोई वो नहीं, कर्ल्स टाइट कर जैसी मर्जी करें. और हर्ट शेप वालों को जो आपके बेबी हेयर्स होते हैं ना, यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स उन्हें बेबी हेयर्स बोलते हैं, उनको थोड़े फोरहेड पे गिरा के रखना चाहिए, इससे कि उनके फीचर्स बहुत और ज़्यादा निखर के आते हैं. तो ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए. नेक्स्ट है कि उनको जो है कटिंग फ्रंट लेज़र करा सकते हैं, उन पर बहुत जचेगी. तो यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल मैसी बंस वगैरह इन पे अच्छे लगते हैं, यानी हर्ट शेप वालों को बस थोड़ा सा अपना बेबी हेयर्स को आगे करें और वो हेयर स्टाइल कोई भी करें उन पे अच्छा लगेगा. बेबी हेयर्स को थोड़ा सा निकाल लें अपने फोरहेड के ऊपर, जिससे उनका फोरहेड थोड़ा छोटा लगता है, क्योंकि फोरहेड थोड़ा बड़ा होता है जिससे उनका फोरहेड थोड़ा छोटा लगता है. तो ये हो गया हर्ट शेप. जो नेक्स्ट है ये है ओवल शेप. देखिए अगर ओवर शेप की बात करूँ, जो ओवर शेप के पर्सन होते हैं उनके फीचर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीचर्स होते हैं, यानी कि जो राउंड शेप, स्क्वायर शेप और इन सबसे ज़्यादा अच्छे फीचर्स ओवर शेप वाले पर्सन्स के होते हैं. और ओवर शेप एक ऐसा शेप है जिसपे कि आप कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो और उस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं. ओवल शेप वालों के जो लंबे हेयर्स होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं. जो ओवल शेप वालों के लॉन्ग हेयर्स होने चाहिए वो बहुत सुंदर लगते हैं. उन पे साइड कट्स भी बहुत जचती हैं, उन पे लेज़र कट्स भी जचती हैं, उन पे स्टेप कट्स भी जचती हैं बहुत ही ज़्यादा. साइड हेयर स्टाइल, साइड बंस, हाई बंस, मीडियम बंस, कोई किसी भी तरह का बन कर लें उन पे बहुत यूनिक लगता है. नेक्स्ट उनके लॉन्ग हेयर्स,
और अगर ओवर शेप वाले स्लीक हाई पोनी टेल करते हैं तो वो तो सुपर्ब लगती है ओवर शेप वालों की, यानी कि स्लीक हाई पोनी टेल, उनके फेस के उनके फीचर्स बहुत ही ज़्यादा निखर के आ जाते हैं। तो ओवर शेप वाले जो पर्सन होते हैं उनके बहुत ही, उन पर ये क्वालिटी होती है कि वो कोई भी हेयर स्टाइल करें उन पर जचेगा। ये नहीं है कि वो हाई बन नहीं कर सकते, मीडियम नहीं अच्छे लगेंगे, लो शॉर्ट पे नहीं अच्छे लगेंगे, साइड्स नहीं अच्छे लगेंगे, ओपन नहीं अच्छे लगेंगे, कर्ल्स नहीं अच्छे लगेंगे, टाइट कर्ल्स नहीं अच्छे लगेंगे, लूज कर्ल, वो कोई भी हेयर स्टाइल, यानी कि उन पर सब हेयर स्टाइल अगर वो कंट्रोल कर लेते हैं, उनके चीक्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और उन पर, यानी कि मीन्स टू से कि पूरी अगर ऑल ओवर बताऊँ कि ओवर शेप वाले जो होते हैं वो गुड फीचर्स के होते हैं, उन पर सब कुछ जचता है। नेक्स्ट है कि अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप नॉर्मल हेयर स्टाइल तो आप बहुत करते होंगे, अगर आपने कोई फैंसी हेयर स्टाइल करते हैं, मैं आपको यहाँ पे स्नैप दिखाऊंगी, यहाँ पे देखेंगे आप, हैं ठीक है। तो जो भी आप अगर फैंसी हेयर स्टाइल, ऐसा हेयर स्टाइल जिसमें वॉल्यूम हो और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाले हेयर स्टाइल्स, ठीक है, मैं कंप्लीट पिक्चर तो नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे कस्टमर्स की हम ऐसे दिखा नहीं सकते, किसी की उनके करके नहीं दिखा सकते, उनके हेयर स्टाइल को शो नहीं कर सकते, इसलिए मैं थोड़े थोड़े से दिखा रही हूँ। लेकिन उसमें क्या है ना कि उनके जो फीचर्स होते हैं बिग हेयर स्टाइल्स से, अगर जिनका राउंड फेस होता है, इनके जिसके मोटे हैवी फेस होते हैं, मोटे मोटे से होते हैं, हैवी चिक्स होते हैं, और उन पे अगर हैवी हेयर स्टाइल कर दो ना और कंटूर के साथ, तो उनका फेस जो थोड़ा पतला लगता है। क्या होता है ना कि मेरे पास जब मेरे कस्टमर आए वगैरह, मेरे फिर उनका फेस काफ़ी हैवी था और मैंने उनका वॉल्यूम वाला हेयर स्टाइल किया तो उनका फेस पतला, अरे अब तो पतला लग रहा है, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। मैंने कहा कि वॉल्यूम वाले हेयर्स में मोटे फेस जो होते हैं वो पतले लगते हैं, और ओवर शेप वाले पे तो वो तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, जिसके ओवर शेप होती है उस पर वॉल्यूम वाले हेयर स्टाइल्स बहुत सुंदर लगते हैं, स्क्वायर फेस वालों पे भी बहुत ज़्यादा, यानी कि जो वॉल्यूम वाले हेयर स्टाइल्स हैं आप किसी भी फेस पे करेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनके फीचर्स बहुत ज़्यादा निखर के आते हैं, मोटे फेस पतले लगते हैं, पतले फेस और ज़्यादा निखर के आते हैं और अच्छे लगते हैं, इस वजह से आप वॉल्यूम वाले हेयर स्टाइल जो हैं वो किसी भी फेस पे जचते हैं। तो इस तरह से आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स को मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।